वहीं अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसके खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि उसने अपने गुर्गों के दम पर लोगों को धमकाया और फिर उनसे अवैध वसूली की और जेल में रहते हुए उसके खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए। अली के खिलाफ 24 घंटे के अंदर प्रयागराज के करेली थाने में 2 FIR दर्ज कराई गई। पहला मुकदमा एक किसान ने दर्ज करवाया जिसने अली पर 30 लाख रुपए की रंगदारी और प्लॉट नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। वहीं अली के खिलाफ दूसरा केस भी 10 लाख रुपए की फिरौती और जमीन अपने नाम करवाने के मामले में दर्ज करवाया गया है। अली इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अतीक फैमिली और उसके गुर्गों के खिलाफ कई FIR दर्ज हो चुकी हैं। गाड़ियों पर स्टंट के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। नोएडा में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई जहां 2 लड़कों को कार पर स्टंट करना भारी पड़ गया और उनका 23,500 रुपए का चालान काटा गया। ये दोनों युवक नोएडा के किसी इलाके में रील बनाने के लिए चलती कार की छत पर स्टंट कर रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे। इस दौरान दोनों लड़के कार की छत पर अलग अलग कलाबाजियां करते भी नजर आए। इस दौरान हादसा भी हो सकता था लेकिन इन्हें इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और जैसे ही इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुलिस एक्टिव हो गई और इनका चालान काटा गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां जोरदार बारिश के बाद नदियों में उफान आ गया जिसकी वजह से लोग खौफ में आ गए। वहां से सामने आए एक वीडियो को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों के घरों के बगल से नदी तेज रफ्तार से बहती दिखाई पड़ी जिसे देखकर ऐसा लगा मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। नदियों के जलस्तर बढ़ने से वहां बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा जिसकी वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए। सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की फहरिस्त में शामिल प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा आगे निकल गए हैं। बीजेपी ने दावा किया कि ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 1 महीने में करीब 80 लाख लोगों ने देखा। यानी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर और ज्यादा बढ़ गई। बीजेपी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर जहां करीब 80 लाख लोगों ने उनकी पोस्ट को देखा वहीं राहुल गांधी को सिर्फ 23,43,000 लोगों ने ही देखा। दावा किया गया कि पिछले 3 महीने में ट्विटर पर पीएम मोदी को 2,77,00,000 लोगों ने देखा जबकि राहुल को देखने वालों की संख्या 58,23,000 ही रही। इधर इस बीच राजस्थान के नागौर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहां एक बस और एक कार की जोरदार टक्कर हो गई जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए क्योंकि कार और बस की टक्कर बेहद जोरदार थी। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली वो घटना वाली जगह पहुंच गई जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि कार और बस की टक्कर एक मोड़ पर हुई जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में पहले से ही भारी बारिश हो रही है और अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है।